तो दोस्तों चलिए यहाँ पर बात करेंगे श्रीलंका वुमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन के बीच जो फर्स्ट ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा। सबसे पहले दोनों टीमों में स्ट्रोंग की बात की जाए तो न्यूजीलैंड वुमेन्स की टीम स्ट्रोंग है, इनके विन करने के चांस अधिक है, तो थोड़ा सा हम लोग न्यूजीलैंड के पक्ष में टीम बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर यदि आप इस मुकाबले को खेलना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूं, इनके अलावा जीएल का टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी कि रुपया कमाने का सारा कुछ जो है वहां पर भगवान की दुआ से वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है, तो मेरे भाई हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जो हूबहू आपको डोमेस्टिक प्लेइंग 11 नज़र आएगा, तो उनसे आपको बचना है। ओरिजिनल चैनल वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर कमेंट जो होता है फर्स्ट कमेंट पे ही टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, उनकी सहायता से जुड़ोगे तो ये ओरिजिनल चैनल पे चले आओगे, यहाँ पर बिल्कुल फ्री टीम प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों लास्ट पांच मैच के स्कोर कार्ड देखा जाए हेड टू हेड तो यहाँ पर देख सकते हो पांचों के पांचों यहां पर न्यूजीलैंड ने विन किया, वो भी बड़े मार्जिन से। लास्ट ओडीआई मुकाबला 2017 में दोनों टीमों ने आपस में खेला था, तो यहां पर देख सकते हो इनके अलावा 2015 में भी चार मैच खेला गया, यानी सारे के सारे न्यूजीलैंड विन किए, तो यहां पर भी विन करने के चांस बहुत ज़्यादा अधिक रहेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा मायने तो नहीं है, लेकिन दोनों टीम लास्ट 2017 में खेला तो उनका स्कोर कार्ड एक तो बनता है, क्या रहा था किस प्रकार से यहाँ पर श्रीलंका वुमेन्स की टीम देख सकते हो। चमारी की बात की अटा पलटू यहाँ पर 49 का योगदान दिया, सॉरी चमारी यहाँ पर 49 और चमारी अटा पलटू की बात का 53 का योगदान, तो अटा पलटू के ऊपर ही निर्भर करेगा इनका मैच किधर जाता है, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर तो है। बाकी न्यूजीलैंड के गेंदबाजी में 5 विकेट ले गए, यहाँ पर होडी स्टोन की बात की जाए एक मेडन के साथ, बाकी सोफी डिवाइन, एमिलिया केर और एल्ताहू को एक विकेट मिला था। छोटा लक्ष्य सूजी बेट्स 106 रन शतक जड़ दिया, एमी सुतर बेट यहाँ पर खेले तो उन्होंने 78 नाबाद मारकर वन साइडेड तरीका से यहाँ पर विन किया था, सिर्फ एक विकेट श्रीलंका ले पाई। हालांकि तकनीकी श्रीलंका और अब की श्रीलंका जो है थोड़ा सा श्रीलंका टीम तो सही नज़र आ रही है, लेकिन न्यूजीलैंड वुमेन्स को हरा दे उतना भी सही तो नज़र नहीं आता। तो दोस्तों एक चीज़ देखेंगे श्रीलंका वुमेन्स जो है अपना लास्ट ओडीआई मुकाबला बांग्लादेश वुमेन्स से खेल के आ रहे, हालांकि बांग्लादेश वुमेन्स तो कमजोर है, वहां पर तो ये विन करना ही चाहिए। कैप्टन साहब ने 64 का योगदान दिया, इनके अलावे हर्षिता एच माधवी नाम से होगा 45 का यहां पर योगदान दिया था, बाकी के दिलहरी की बात या 25 का योगदान दिया। गेंदबाजी किस प्रकार से रही, गेंदबाजी यहाँ पर यू प्रभुधानी एक विकेट लेके, ओ रना सिंह के गजब का मीडियम फास्ट गेंदबाजी, स्पिन भी आप मान सकते हो, थोड़ा सा स्लोअर का इस्तेमाल करता है, 5 विकेट लेके। एस कुमारी एक विकेट, आई रनावेरा जो कि सबसे बढ़िया क्वालिटी दार स्पिनर की गिनती में आते हैं, एक विकेट इन्होंने भी ले गए। के दिलहरी को कोई विकेट नहीं मिला, कैप्टन साहब ने यहाँ पर 4 ओवर की पार्ट टाइम गेंदबाजी दिखाई और विकेट भी ले गए। तो दोस्तों वही बात की जाए न्यूजीलैंड वुमेन्स का लास्ट ओडीआई, इन्होंने भी बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से गेंदबाजी, जेस केर 4 विकेट ले गए, एफ जोन्स जो कि स्पिन गेंदबाजी करते 1 विकेट, वन साइडेड तरीका से न्यूजीलैंड ने विन किया, क्योंकि यहाँ पर सूजी बेट्स ने 93 का योगदान दिया था, मैडी ग्रीन 59 और कैप्टन साहब सोफी डिवाइन यहाँ पर 81 का योगदान दिया था। तो इस प्रकार से रहा था, तो ज़्यादा स्कोर कार्ड देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन, क्यों ना उनके ऊपर बात कर लिया जाए। तो मेरे भाई कॉम्बिनेशन देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इनके अलावा कुछ जानकारी लेना हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई भी देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर आपको समझना होगा, अगर यदि यहाँ पर देखा जाए हमारा टीम तो मैंने इस प्रकार से बनाया, मुझे जो बेहतर लगा सही सटीक सेफ तरीका से मैंने यहाँ पर कैप्टनसी एमिलिया केर को दिया हूँ, सोफी डिवाइन को मैंने भेजी दिया हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल के कुछ दिनों में सोफी डिवाइन थोड़ा सा कम इन्होंने गेंदबाजी करवाया है, इस वजह से वैसे अटापट्टू भी बुरा ऑप्शन आपका नहीं रहेगा। विकेट कीपिंग सेक्शन में देखा जाए अगर यदि ये खेलती है तो आपको याद होगा न्यूजीलैंड का डोमेस्टिक में इनका रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। आई गजे की बात का ये भी ठीक ठाक है, लेकिन काफ़ी नीचे ये बल्लेबाजी करती है, वैसे सेफ के लिए ए संजीवनी बुरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये अगर यदि खेलेगी तो मैं इनके ऊपर जाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से इनको पिक किया हूँ। सूजी बेट्स यहाँ पर ओपन आएगी ये तो तय है, एच समय विक्रमा की बात का यहाँ पर हर्षिता
गज आपको इनका फॉर्म में चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इनको ट्राई करूँ, लेकिन किन के जगह करूँ मुझे अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा गेंदबाज ऑलराउंडर लेने का प्रयास किया। एंडी सिल्वा एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जानी जाती है, आने के साथ हार्ड हिटिंग करती है, पहले ये पार्ट टाइम गेंदबाजी करती थी, अब ये गेंदबाजी नहीं करती है। मैडी ग्रीन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जब न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम पहले बल्लेबाजी करेगा तो भैया वन साइडेड ये आपको आगे ले जाएगा, क्योंकि ये पहले बल्लेबाजी में इंपॉर्टेंट रहेगा। वीर राजेश पक्षा जीएल में जरूर ट्राई करना। इनके अलावे हसीनी परेरा की बात किया, ये भी खेला था, जीएल के लिए ही बेहतर है। वैसे ज़्यादा कोई खास प्लेयर पे फोकस नहीं करना, ऑलराउंडर मैंने जो पांच पिक किया पांचों को पांचों इंपोर्टेंट है, पांचों कैप्टन भाज के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब ये मत समझना कि एलकेएस पेरक का यहाँ पर सिलेक्शन कम है, भैया ऐसा प्लेयर है कैप्टन बीसी भी आप दे सकते हो, कमाल का स्पिनर है, जबरदस्त स्पिनर करता है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर के दिलहरी के ऊपर भी जाने का, इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है, गेंदबाजी बल्लेबाजी भी कर लेता है और बल्लेबाजी मिलने का 100% संभावना है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम स्ट्रॉन्ग है। तो चाहो तो एक गेंदबाज कम करके आप ले सकते हो। आयरन अवीरा क्वालिटी स्पिनर, सबसे बेस्ट स्पिनर श्रीलंका वुमेन्स की तरफ से, इनको तो ड्रॉप नहीं कर सकते हो। एलताहू जबरदस्त फास्ट गेंदबाजी, मैं बता दूँ एलताहू और एमी सुत्तरवेट दोनों ने आपस में शादी किया है। इनके अलावा देखा जाए एस कुमार जीएल का ट्रंप कार्ड रहेगा, 6 से 7 ओवर ये जरूर करती है। इस रो को यहाँ पर मैं पिक किया, अगर यदि इनके जगह कोई अन्य गेंदबाज यहाँ पर देख सकते तो आर मायर्स खेलता है तो आर मायर्स को पिक करूँगा। ई कार्सोन खेलता है तो ई कार्सोन को यहाँ पर पिक करूँगा। एम पेनफोल्ड खेलता तो इनको पिक करूँगा, तो वो निर्भर करेगा खेलता कौन है। तो फिलहाल के लिए एच रो खेलना चाहिए तो इनको मैंने पिक किया हूँ। सेम बात है एफ जोन्स यहाँ पर गजब की स्पिन गेंदबाजी करती है तो इनको मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट के रूप में पिक किया हूँ। इनके जगह ई कार्सोन स्पिनर खेलेगा तो उनके ऊपर हम लोग चले जाएंगे। कैप्टन बीसी में फिलहाल के लिए इन दोनों को दिया हूँ, आप अभी फिलहाल के लिए ये टीम सेव करके रख लो, इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कहाँ? अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक प्लेइंग 11 पे। तो मेरे भाई आशा करते हैं लक्ष्मी माँ विसरी माँ ओल भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट बेहतर जाए, सारे लोगों पर सरस्वती माँ की कृपा बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ वीडियो को भी समाप्त करता हूँ।